नमस्कार दोस्तों दो स्वागत है स्वागत करता हूँ जितने भी वीडियोस देखे तक। मैंने क्वांट को बहुत ही कम रिकमेंड करा है स्मॉल कैप के अंदर आ, लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए लेकिन अभी ना हाल फिलहाल में क्वांट्स के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से भाई थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी हो गया है आज मैं इसका कंपेरिजन टाटा स्मॉल कैप फंड निप स्मॉल कैप फंड और क्वांट तीनों का कंपेरिजन करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि भैया टाटा के अंदर निपोन के अंदर और क्वांट के अंदर एक्चुअल फर्क क्या है क्यों क्वांट के जो रिटर्न है वो थोड़े कम दिखते हैं क्यों टाटा के ज्यादा है और निपोन के ज्यादा है क्वांट से और क्या इसमें चेंजेस आए हैं वो भी बात करूंगा वीडियो बना रहा हूं व्हाइट बोर्ड पर जिससे कि आपको ठीक से लिख के समझा पाऊं तो दोस्तों थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा इसलिए क्योंकि मैं आपको लिख के बता पाऊंगा सारी चीजें समझा पाऊंगा इसलिए व्हाइट बोर्ड पर आज बना रहा हूं तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा तो शुरू करता हैं दोस्तों आज की वीडियो को मैं हूं आपका दोस्त तरुण गोला और स्वागत करता हूँ आपको व्हाइट बोर्ड पे जो फंड है उसका नाम है क्वांट प्लान देखिए ये वीडियो पूरी देखिएगा पहली बात और जो आपके दोस्त है ना क्योंकि किसी ना किसी ने स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट कर रखा होगा तो आगे जरूर शेयर कर देना ये पक्की बात है आगे शेयर कर देना एक कमेंट जरूर कर देना आप बताना आपने क्वांट के अंदर इन्वेस्ट किया है टाटा में किया है या निपोन में किया है जरूर बताइएगा तो इसका जो तो करंट एन भी चल रहा है वो चल रहा है तीन सौ रुपए थोड़ा सा आज ना ये गिरा है तो तीन सौ रुपए का अभी बना हुआ है अब देखो सबसे बड़ी जो बात आई है ना देखने की इसकी जो रैंकिंग है वो बढ़ गई है पहले जो पहले जो इसकी रैंकिंग थी वो थी फोर स्टार अब भैया हो गई है फाइव स्टार अब फाइव स्टार आखिर हुई क्यों है इसके पीछे कुछ कारण तो होगा ना उसी कारण की आज हम मैं जानना चाह रहा हूं कि एक्चुअल में क्या कारण है कि क्वांट का जो स्टार की रैंकिंग है वो दूसरे नंबर से बढ़कर पहले नंबर पर आ गया जबकि इसका जो रिटर्न है वो दूसरों से कम है ठीक है ना और दूसरी बात यह है कि क्वांट के जितना भी म्यूचुअल फंड हाउस की स्कीम्स है अभी ना वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है फिर भी भाई ये स्कीम जो है नंबर पे आ गई है ऐसा क्या हुआ पिछले तीन साल के जो रिटर्न है वो बत्तीस है जो सी निकल के आता है वो है इसका बीस पॉइंट तैतालीस परसेंट एक्सपेंसिव रेशरो पॉइंट जीरो सिक्स फोर परसेंट और जो इसका एक्सिट लोड है वो एक परसेंट देखिए मैं आपको मैनमेट फैक्टर्स बता रहा हूँ उसके बाद सीधा लेके चलता हूँ आपको इसके जो फर्क है जो इनका कंपेरिजन उसके ऊपर बात करेंगे सीधा अगर आप इसमें करना चाहते है, तो आपको जो, जो, जो एस आई पी है ना मिनिमम वो एक हजार रुपए एक हजार रुपए की मिनिमम एस आई पी इसमें कर सकते हैं आप और जो टोटल इसमें एयूएम अभी तक आ चुका है वो है पच्चीस हजार तीन सौ करोड़ रुपए पच्चीस हजार तीन सौ करोड़ रुपए से ज्यादा आ चुका है इसके अंदर तो टाटा में निपोन में फर्क क्या है देखिए एक तो फर्क यह है निपन का है टाटा का है टाटा तो तो जीत जाता है, है। दूसरों दूसरे फंड से जीरो पॉइंट थ्री फाइव परसेंट जीरो पॉइंट फोर जीरो परसेंट मतलब रुपए में तीस पैसे चालीस पैसे ज्यादा रिटर्न देता है क्योंकि एक्सपेंसिव रेशियो कम है एक तो फायदा यह है दूसरा जो एग्जिट लोड है इस टाटा के अंदर फायदा यह है कि उसके अंदर आप दस पैसा बिना एक लगाए लगा सकते हैं मतलब एक साल से पहले आप दस पैसा निकाल सकते हैं बिना किसी चार्ज के के चलो इन लोगों, इन लोगों को को चीजों छोड़ देते हैं हैं सीधा बात करते अंदर क्या फर्क है और पोर्टफोलियो के अंदर क्या चेंज है तो देखिए पिछले तीन साल के रिटर्न की बात करूं तो मैं सीधा पांच साल के रिटर्न की बात करता हूं आप तीन साल के रिटर्न को भूल जाइए जो क्वांट है उसने पिछले पांच साल में जो रिटर्न दिया है वो दिया है भाई पचास पॉइंट चौसठ परसेंट पांट ने पिछले पांच साल में रिटर्न दिया है पचास पॉइंट चौसठ परसेंट और जो हमारा टाटा है इसने पिछले पांच साल में रिटर्न दिया है टाटा ने उसने दिया है करीबन करीबन सैतीस परसेंट और जो हमारा है निपॉन इंडिया निपॉन इंडिया ने दिया है भाई पिछले पांच साल में निपॉन ने इसने दिया है करीबन उनतालीस परसेंट अब देखो देखने वाली बात यह है कि पिछले पांच साल में क्वांट ने पचास परसेंट से ज्यादा रिटर्न दे दिया और टाटा ने और निपन ने सैतीस परसेंट और उनतालीस परसेंट दी है लेकिन अगर मैं कहूं ना पिछले तीन साल में रिटर्न की तो पिछले तीन साल में तीनों ने लगभग बराबर रिटर्न दी है बत्तीस बत्तीस परसेंट दी है रिटर्न तीनों ने बत्तीस परसेंट क्वांट ने दी है बत्तीस परसेंट टाटा ने दिए और बत्तीस परसेंट दिए निपन ने अब जो सबसे बड़ी इसकी जो घड़ी है चेकिंग की वो है पिछले तीन महीने का रिटर्न कि भाई पिछले तीन महीने में किसने ज्यादा रिटर्न दिए पिछले तीन महीने में क्योंकि मार्केट गिरी है तो वो देखना जरूरी है तो अगर मैं बात करूं निपॉन की तो निपॉन ने पिछले तीन महीने में दिए हैं निप ने दिए हैं करीबन सेवन पॉइंट जीरो फोर परसेंट निप ने और टाटा ने दिए हैं पिछले तीन महीने में भाई टाटा ने दिया तेरह परसेंट और जो क्वांट है उसने दिए हैं पांच परसेंट यह फर्क क्वांट ने पांच परसेंट दिए हैं टाटा ने तेरह परसेंट दिए निपोन ने सेवन पॉइंट जीरो फोर परसेंट तो देखिए अब सवाल यह आता है कि भाई आपके लिए कौन सा बेस्ट है क्योंकि अब ना अगर मैं रैंकिंग की बात करूं तो भाई क्वांट स्मॉल के फंड टाटा स्मॉल के फंड और निपोन स्मॉल के फंड तीनों नंबर वन पर चल रहे हैं

पिछले तीन महीने में देखना जाए तो सबसे अच्छा जो परफॉर्म करा है वो कर रहा है टाटा ने निप ने कर रहा है सात परसेंट और क्वांट ने करा पांच परसेंट अगर मैं इनके पोर्टफोलियो की बात करूं तो आपको पोर्टफोलियो के बारे में बता देता हूं मैं क्वांट का जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर देखिए क्वांट का जितना भी पैसा है अगर आप सौ रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो क्वांट के अंदर आपके ना बीस रुपए लगते हैं लार्ज कैप के अंदर और अस्सी रुपए लगते हैं स्मॉल कैप में और मिड कैप में समझ रहे हो आप बात को क्वांट का 20 परसेंट पैसा लगता है लार्ज कैप में और बाकी 80 परसेंट जो पैसा है वो लगता है आपका लार्ज स्मॉल में और मिड में वहीं अगर मैं बात करूं टाटा की टाटा के अंदर आप अगर सौ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका सौ का सौ रुपए लगते हैं मिड कैप में और स्मॉल कैप में सारा पैसा मिड और स्मॉल कैप में लगता है ठीक है ना और जो निपोन है निपोन के अंदर भाई क्या कहानी है निपोन के अंदर कहानी यह है कि दस पैसा लगता है दस नहीं निपोन के अंदर करीबन आपका अट्ठारह परसेंट पैसा लगता है लार्ज कैप में और मिड कैप में और स्मॉल कैप में बाकी बचा हुआ सारा का सारा पैसा लगता है बयासी परसेंट क्वांट का और आपका जो निपोन है उनका जो पोर्टफोलियो वो सेम जैसे अस्सी बीस अस्सी प्लस बीस अस्सी परसेंट स्मॉल और मिड में और बीस परसेंट आपका लार्ज कैप में लेकिन टाटा के अंदर कहानी क्या है टाटा के अंदर कहानी भाई ये है कि सारा पैसा लगा हुआ है लार्ज मिड कैप में और स्मॉल कैप में लार्ज कैप उसमें है ही नहीं तो जो टाटा है वो रिस्की थोड़ा सा ज्यादा है जब वो गिरेगा तो दवा क्या जब वो बढ़ेगा तो इनसे ज्यादा बढ़ेगा तो अगर हम उससे बात करेंगे कि भैया अब आपकी नजर में कौन सा अच्छा फंड है तो देखिए अगर मैं ओवरऑल सीएजीआर की बात करूं ओवरऑल तो जो ओवरऑल सीएजीआर है वो निपन का है करीबन करीबन आपका उनतीस टाटा का है तीस पॉइंट साढ़े तीस परसेंट जो सीएजीआर एनुअल इंटर निकल आ रहा है और जो हमारा निप, इसका क्वांट है इसका है बीस पॉइंट साढ़े बीस परसेंट तो अगर मैं एवरेज रिटर्न की बात देखूंगा सीएजीआर के हिसाब से देखूंगा तो हमारा निपपोन सबसे बढ़िया फंड है और टाटा अच्छा -टा है लेकिन पिछले तीन चार साल में पांच साल में क्वांट ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करा है क्वांट भी ना कहीं पीछे नहीं है तो मैं ये नहीं कहूंगा अब नहीं कहूंगा मैं कम से कम क्योंकि इसकी रैंकिंग बढ़ गई है कि क्वांट के अंदर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते आप क्वांट के अंदर अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं लेकिन इसके अंदर थोड़े से रिटर्न आपको स्लो मिलेंगे क्योंकि तो बीस परसेंट पैसा आपका लगा हुआ है लार्ज कैप में इस चीज का ध्यान रखिएगा और दूसरी बात अभी जो क्वांट के फंड है वही चल रही है पिछले तीन, तीन महीने में रिटर्न दिया ने। एक तो मार्केट गिरी थी पहला कारण वो है दूसरा कारण ये है कि इनका एक तो छापा पड़ गया था दूसरा इनकी अभी रेड वगैरह चल रही थी तो इनकी वो भी चल रही है स्कूटी वगैरह चल रही है एक इनका सीएफओ चेंज हो गया और इनके जो मैनेजमेंट है ना उसमें काफी चेंजेस आ रहे हैं तो इसलिए इनके जितने भी अभी मैक्सिमम म्यूचुअल फंड स्कीम्स है वो ना अभी आउट परफॉर्म कर रही है ठीक से ना परफॉर्म नहीं कर पा रही चाहे आप क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ले लीजिए चाहे आप ये मिड कैप फंड ले लीजिए भले आप स्मॉल कैप फंड ले लीजिए तो अभी ना थोड़ा सा इनके जो परफॉर्मेंस है वो डाउन चल रही है वो ठीक हो जाएगी ऐसा नहीं है कि डाउन ही रहेगी वो ठीक हो जाएगी तो टेंशन वाली बात नहीं है लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं ठीक अब थोड़ी काम की बात करते हैं जिस भाई को ये पोर्टफोलियो बनवाना है रिव्यू करवाना है डिस्क्रिप्शन डिटेल दी हुई है भाई अगर आप एक करोड़ का पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं अपना आप चाहते हैं भैया एक करोड़ रुपया मिले आपकी जो स्कीम है आप चाहते हैं उससे आपको एक करोड़ रुपया दो करोड़ रुपया मिले इस तरीके से वो मॉडिफाई हो जाए और आपकी जितने भी स्कीम्स है वो चेक हो जाए कि भैया वो आउट परफॉर्म तो नहीं कर रही है ऐसा तो नहीं है कि कोई बेकार स्कीम है जिसकी वजह से आपके सारे रिटर्न आपका जो मेहनत है उस पर पानी फिर जाए आप जो रिटर्न चाहते हैं वो मिले ना तो भाई इसके लिए रिव्यू कराना मत भूल डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है डिटेल चार्जेबल है लेकिन चार्जेस बहुत कम है पोर्टफोलियो बनवाना चाहे बनवा सकते हैं और रिव्यू कराना चाहते तो रिव्यू करा सकते हैं बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है पोर्टफोलियो का रिव्यू करना या किसी एक्सपर्ट से रिव्यू करवाना इस चीज का ध्यान रखिएगा तो टाइम टू टाइम रिव्यू कराते रहें और भैया आप, आपका जो एक करोड़ का आपका टारगेट था भले ही वो हो सकता है वो साठ लाख का दे हो सकता नहीं ऐसा ही होता है लोगों लोग के साथ होता क्या है अगर वो किसी एक्सपर्ट से टच में रहते हैं तो उनको पता रहता है नहीं तो होता क्या है वो भैया एक करोड़ का टारगेट लेके सोचते हैं और मिलते हैं उनका तीस चालीस लाख ही है और बहुत होगा तो तीस चालीस लाख भी नहीं मिलते जितना पैसा उनको एफडी के जितना रिटर्न मिलता है पोर्टफोलियो से यही फर्क होता है भैया थोड़ा बहुत पैसा खर्च करोगे पैसा खर्च करके भैया पैसा कमा सकते हो क्लियर है ठीक है दोस्तों तो आज के लिए इतना तो ही वीडियो कैसी लगी जो बताइएगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में एक प्यार बरा कमेंट कर जरूर कर दीजिएगा जय हिंद